तो जी हाँ दोस्तों, 15 एपिसोड्स में से अभी तक बद्रीनाथ वीडियो सीरीज के हमारे 7 एपिसोड आ चुके हैं, जिसमें एपिसोड 1 और 2 में हमने बात की है कि बद्रीनाथ कैसे और कौन से मौसम में जाएं, कितने रास्तों से हम बद्रीनाथ पहुंच सकते हैं और कौन सा रूट किसके लिए सही रहेगा, होटल कहाँ और कितने का मिलता है, कितना खर्च आएगा यात्रा में, यात्रा के दौरान साथ में क्या रखें, कौन कौन सी सावधानियां बरतें आदि, इसी तरह की बहुत सारी डिटेल हमने एपिसोड 1 और 2 में दी थी। एपिसोड 3 से लेकर 7 तक हमने बद्रीनाथ के रास्ते में आने वाले लगभग हर महत्वपूर्ण स्थान के बारे में बिल्कुल विस्तार से चर्चा की है, जैसे देवप्रयाग, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, गोचर, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग, चमोली गोपेश्वर, पीपलकोटी, जोशीमठ, ओली, विष्णुप्रयाग, गोविंद घाट, हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा, फूलों की घाटी, पांडुकेश्वर और हनुमान चट्टी। साथ ही साथ इनके आसपास के स्थानों के बारे में भी हमने वहां बात की है। इनके अतिरिक्त ये भी डिटेल हमने वहां पर दी है कि बद्रीनाथ के रास्ते से केदारनाथ कैसे जाएं, या केदारनाथ जाने के हमारे पास कितने विकल्प हैं, मतलब बहुत ही सारी जानकारी हम वहां एपिसोड में दे चुके हैं। अब अगर सबकी डिटेल में यहां देने लग गया कि पीछे हमने क्या क्या बताया है तो भैया ये एपिसोड बहुत ही लंबा हो जाएगा, इसलिए बस आप इतना समझ लीजिए कि हमने वहां कमाल किया है, मतलब हर डिटेल आपको दी है। वीडियो की लंबाई को ध्यान में रखते हुए जितनी ज़्यादा और सही डिटेल मैं वहां दे सकता था उतनी मैंने वहां दी है। तो अगर आपको बद्रीनाथ के बारे में विस्तार से जानना है तो उन एपिसोड को आप चाहें तो देख सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी है। लेकिन आगे जो भी एपिसोड्स आएंगे उनमें मैं वो सारी जानकारी रिपीट नहीं करूँगा जो पहले दे चुका हूँ। अब भैया जब पहले जानकारी दे दी तो इस एपिसोड में मैं वो क्यों रिपीट करूँ? इसलिए अगर आपको आगे के एपिसोड में कुछ ऐसा लगे कि यार ये जानकारी तो उसने दी नहीं, तो मान लीजिएगा कि मैं पहले वो जानकारी दे चुका हूँ, इसलिए यहाँ वो रिपीट नहीं कर रहा। तो चलें अब एपिसोड 8 को शुरू करते हैं। अरे यार ये तो टेक्निकल गुरुजी का कॉपी हो गया, अब क्या करें भाई साहब, इतने सारे डायलॉग बने पड़े हैं, हमारे पास कुछ हमारा बचा ही नहीं है। अगर आपके दिमाग में हमारे चैनल के लिए कुछ डायलॉग हो तो बता सकते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि एपिसोड 7 में हम हनुमान चट्टी पहुंच चुके थे, अब बढ़ते हैं बद्रीनाथ की तरफ, जो हनुमान चट्टी से करीब 12 किलोमीटर आगे है। इनके बीच की जो सड़क है वो मिलीजुली है, मिलीजुली बोले तो कभी वो ठीक मिलेगी और कभी टूटी फूटी। चलिए अब जब सड़क का जिक्र आ ही गया है तो सड़क 2 की बात कर लेते हैं। अरे नहीं 2 कहाँ, हाँ चलिए जब अब सड़क का जिक्र आ ही गया है तो आगे बढ़ते हुए हम इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। ये सड़क 2 वो वाली नहीं जो आलिया भट्ट का उसने डिसलाइक में एक रिकॉर्ड बनाया था, वो नहीं, हम अपनी ये सड़क बद्रीनाथ जाने वाली की बात करते हैं। देखिए आपको तो पता ही है कि 4 धाम के लिए ऑल वेदर रोड का काम लगातार उत्तराखंड में चल रहा है। इसके अंतर्गत सड़क अच्छी बनाई जा रही है जिससे कि पूरे साल 4 धाम के दर्शन आप कर सके और हमारी भारतीय सेना को भी बॉर्डर तक आने जाने के लिए अच्छी सुविधा मिल सके। पहले सड़क की चौड़ाई का काम 2012 की गाइडलाइन के हिसाब से चल रहा था, जिसमें सड़क की चौड़ाई 12 मीटर रखी गई थी जिससे कि ट्रैफिक संबंधी या अन्य कोई भी प्रॉब्लम आने जाने में ना हो। लेकिन अभी 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर जारी किया है कि राजमार्ग मंत्रालय को एक आदेश दिया है जिसमें लिखा है कि सड़क का जितना भी बचा हुआ काम है वो 2018 की गाइडलाइन के हिसाब से करो, जिसमें सड़क की चौड़ाई आधी से भी कम मतलब 5.5 मीटर तय की गई थी। अब केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट की है कि सड़क की चौड़ाई पहले जितनी मतलब 12 मीटर ही रहने दिया जाए, या फिर थोड़ी बहुत अगर कम भी की जाए तो चलेगा, लेकिन 5.5 मीटर तो बहुत ज़्यादा कम चौड़ाई है, क्योंकि 4 धाम जाने वाली सड़कें बॉर्डर तक भी जाती है जहाँ हमारे दूसरी तरफ वो चाइना बैठा है तिब्बत में ज़बरदस्ती घुस के। तो सरकार का तर्क था कि जिस तरह आजकल और पीछे भी चीन बॉर्डर पर हरकतें करता आया है उसको देखते हुए यहाँ की सड़क की इम्पोर्टेंस और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि बॉर्डर तक जब हमारी सड़कें अच्छी और चौड़ी होंगी तो हमारे सैनिकों को आने जाने के लिए भी बहुत सुविधा मिलेगी, जिस कारण हमारे हथियार या अन्य जो भी हमारे फौजी भाइयों के लिए सामान है वो आसानी से वहाँ पहुँच सकेगा, क्योंकि जब सड़कें चौड़ी होंगी तो ज़्यादा संख्या में सेना के वाहन आ जा सकेंगे। लेकिन भाई साहब सुप्रीम कोर्ट ने तो बिल्कुल साफ मना कर दिया कि चौड़ाई 12 मीटर नहीं बल्कि 5.5 मीटर ही रहेगी। दरअसल हुआ ये था कि सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई थी और कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि 12 मीटर अगर चौड़ाई की जाएगी तो हिमालय क्षेत्र को नुकसान होगा क्योंकि भारी मात्रा में पेड़ों की कटाई होगी,
इस पर केंद्र सरकार ने कहा कि ये नियम पहले से ही है कि जहां पर पेड़ काटे जाएंगे वहां से उससे ज़्यादा संख्या में कहीं और पेड़ लगा दिए जाएंगे। तो केंद्र सरकार ने कहा कि हम कई गुना इससे ज़्यादा पेड़ लगा देंगे, आप 12 मीटर ही सड़क की चौड़ाई रहने दीजिए। लेकिन भैया सुप्रीम कोर्ट नहीं माना, वो तो अपनी बात पर कायम है कि 5.5 ही रखेंगे हम तो। खैर अभी तो फिलहाल की कंडीशन यही है। आगे यहाँ पुलिस चेक पोस्ट है, ये आपकी बाइक नंबर और आप कितने व्यक्ति हो ये सब रिकॉर्ड करते हैं ताकि पता चल सके कि दर्शन के लिए कितने श्रद्धालु और वाहन आ चुके हैं। तो देखिए दोस्तों, ये शुरुआत हो चुकी है हमारे बद्रीनाथ धाम की। बद्रीनाथ मंदिर यहाँ से 1.5 किलोमीटर आगे है और भारत का आखिरी गांव माणा है 4 किलोमीटर। यहाँ पर सिविल हेलीपैड लिखा है 200 मीटर। हो भाई साहब, गजब एहसास होता है जब हम बद्रीनाथ में प्रवेश करते हैं। इस दौरान यात्रा में जो भी दुख, दर्द, थकान वगैरह हुआ होता है सब भूल जाते हैं जब बद्रीनाथ पहुंचते हैं। ये बद्रीनाथ के आसपास के स्थान हैं, इनके बारे में भी हम डिटेल के साथ जानेंगे, तो आप टेंशन ना लीजिएगा। ये साइड वाला रास्ता बद्रीनाथ मंदिर की ओर जा रहा है और सीधा वाला रास्ता जा रहा है हमारे भारत के आखिरी गांव माड़ा की तरफ। फिलहाल हम मंदिर की तरफ बढ़ते हैं, माड़ा गांव को बाद में देखेंगे। देखिए ये बिल्कुल ढलान वाला रास्ता है, इसलिए सावधानी से चलें। साइड में भारत सेवाश्रम संघ है जो लोक कल्याण का कार्य करते हुए अपनी सेवाएं देश को देते हैं। काफ़ी बड़ा लग रहा है ये। हाँ शायद ये एक धर्मशाला भी है, इसलिए जब धर्मशाला है तो यहाँ रूम भी मिल सकते हैं। अब देखिए ये और ज़्यादा खतरनाक ढलान आ गया। चलो भाई जरा आराम आराम से चलना यार। हो सकता है कि आपको वीडियो में सही से ढलान का पता नहीं चल रहा हो, पर भाई साहब है बिल्कुल नीचे की ओर ढलान। ये आप देख रहे हैं ना, यात्री निवास बाबा काली कमली वाला। हाँ ये धर्मशाला है जो हमने आपको पहले भी दिखाई थी रुद्रप्रयाग में। यहाँ काफ़ी सस्ते रूम मिल जाते हैं, हमें तो रुद्रप्रयाग में इस धर्मशाला में, इस नाम की धर्मशाला में सस्ते रूम मिल गए थे, तो शायद यहाँ भी मिल जाते होंगे सस्ते में। और ये दूसरी तरफ मूर्ति है, इनका क्या नाम है, आदि गुरु शंकराचार्य हैं या कोई और हैं, सॉरी दोस्तों इनका नाम हम नहीं पढ़ पाए, बाद में देखेंगे इनको। यहाँ हमें सही से पता नहीं चल पाया कि ये किन की मूर्ति है और ये क्या है बड़ी सी बिल्डिंग, इनको हम बाद में देख लेंगे। बोर्ड पर ट्रैकर्स और पर्यटकों के लिए महत्वपूर्ण सूचना लिखी हुई है, कृपया ध्यान से पढ़ लीजिए। और ये उल्टे हाथ की तरफ अलकनंदा नदी हमें दिखाई दे गई है। हम यहाँ नीचे तो आ गए भाई साहब, पर आकर पता चला कि पार्किंग के लिए आपको थोड़ा पीछे जाना होगा। चलिए अपनी बाइक घुमाते हैं, लेकिन उससे पहले सामने जो बना है ना उसको तो निहार लेते हैं यार। सामने है वही भगवान विष्णु जी का बद्रीनाथ मंदिर जिनको देखने के लिए हमने इतनी लंबी यात्रा तय की है। सच में दोस्तों, मात्र दूर से देखने पर इतनी खुशी और शांति मिल रही है ना कि बस शब्दों में बताया नहीं जा सकता कि यहाँ आकर कैसा लग रहा है। सोचिए जब दूर से देखने पर इतना सुकून मिल रहा है और एहसास हो रहा है, तो फिर पास जाने से क्या होगा, पास तो छोड़ो अंदर जाने से क्या अनुभूति होगी, कमाल का लगेगा। चलिए हम पहले पार्किंग के लिए बाइक लगा देते हैं अपनी। अब पता नहीं कि ये पार्किंग है या नहीं, कुछ गाड़ियाँ खड़ी थी तो भैया हमने भी अपनी बाइक लगा दी। वैसे माणा गांव वाली सड़क के साइड से एक और रास्ता है जो बद्रीनाथ मंदिर की ओर जा रहा है, वहाँ भी एक पार्किंग है। चलिए अब उस पार्किंग को भी दिखा देते हैं।
ये रास्ता दूसरी पार्किंग की तरफ जा रहा है। यहाँ पर भी राइट साइड में जय जलाराम नाम से धर्मशाला है। सीधे सामने देखेंगे तो मानव कल्याण आश्रम है। और ये है वो दूसरी पार्किंग, काफी बड़ी है, होटल्स भी इसके आसपास हैं। और ये जो नीचे की तरफ आप रास्ता देख रहे हैं ना, ये बद्रीनाथ मंदिर की ओर जा रहा है, जहाँ काफ़ी सारी प्रसाद की दुकानें हैं। आप चाहे तो 30 से 100 रुपए के बीच मंदिर में चढ़ाने के लिए प्रसाद वगैरह ले सकते हैं। वाओ, वो देखिए, यहाँ से भी बद्रीनाथ मंदिर हमें दिखाई दे रहा है। और ये सामने वाला पुल है ना, ये बद्रीनाथ मंदिर की ओर जाने के लिए है। वहीं पास में आपको दिख रही होगी SBI का एक ATM और पंजाब नेशनल बैंक। तो अब यहाँ से हम बद्रीनाथ मंदिर की ओर चलेंगे। दोस्तों, भारत के मेन चार धाम और हिमालय के चार धाम दोनों में शामिल है हमारा बद्रीनाथ। अलकनंदा नदी के किनारे और खूबसूरत हिमालय की गोद में बसा बद्रीनाथ हिंदुओं का एक पवित्र तीर्थ स्थल है। मान्यता है कि जिस तरह भगवान विष्णु द्वारिका में वस्त्र पहनते हैं, जगन्नाथपुरी में भोजन करते हैं, रामेश्वरम में स्नान करते हैं, वैसे ही बद्रीनाथ धाम में जप तप करने आते हैं हमारे भगवान विष्णु। अलकनंदा नदी के ऊपर बने इस पुल के द्वारा बद्रीनाथ मंदिर तक पहुंचा जाता है। भारत के चारों कोनों में बसे चार धाम का अपना सबका अलग महत्व है। जैसे द्वारिका युग का माना गया है द्वारिका को, कलयुग का जगन्नाथपुरी को, त्रेता युग का धाम रामेश्वरम को, वैसे ही सतयुग का धाम माना गया है बद्रीनाथ जी को। भगवान पर आस्था रखने वाला हर इंसान अपने जीवन में कम से कम एक बार तो चार धाम की यात्रा करना ही चाहता है। थोड़ी जानकारी के लिए बता दूं कि बद्रीनाथ मंदिर सुबह 4:30 बजे खुल जाता है। उस समय भगवान विष्णु के लिए यहाँ महाभिषेक, अभिषेक आरती, गीता पाठ और भागवत पूजा होती है। तिल के तेल से भी अभिषेक होता है, जो टिहरी राज परिवार से आता है। इसके बाद 6 से 7 बजे के बीच मंदिर को श्रद्धालुओं के लिए दर्शन के लिए खोल दिया जाता है। फिर दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं, मतलब उस दौरान आप दर्शन नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपने पूजा कराने के लिए ऑनलाइन बुकिंग कराई है या यहाँ पर बुकिंग की है, तो उस दौरान आप यहाँ आरती वगैरह पूजा पाठ करा सकते हैं। आरती पूजा पाठ या दान के लिए ऑनलाइन वेबसाइट है badrinath-kedarnath.gov.in। यहाँ लिखा है चरण पादुका, बामड़ी गांव, तप्त कुंड और ब्रह्म कमल जाने के लिए रास्ते। पहले तो मैं अक्सर वीडियो और फोटो में लगातार बद्रीनाथ मंदिर को देखा करता था, लेकिन आज यहाँ आने का सौभाग्य मिला, जिस कारण इतने नज़दीक से इतने खूबसूरत और कमाल के मंदिर को देख पा रहा हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ उस परमपिता परमेश्वर का, जिन्होंने हमें यहाँ आने के लिए प्रेरित किया। खूबसूरत और अद्भुत मंदिर। हम यहाँ करीब 1 बजे पहुँचे और पुलिस वालों ने बताया कि भैया अभी मंदिर बंद है, 3 से 4 बजे के बीच खुलेगा। तो हमने सोचा कि भैया हम इतना हमारे पास टाइम है तो पहले नारद कुंड में नहा लेते हैं और उसके बाद हम चलेंगे भारत के आखिरी गांव माड़ा की ओर, क्योंकि हमारे पास अभी 2 या 3 घंटे हैं, फिर बाद में आकर मंदिर के दर्शन कर लेंगे। फिर शाम 4 से रात के 8:30 बजे तक मंदिर में दर्शन आप कर सकते हैं। साढ़े आठ से रात 9 बजे के बीच आरती और गीत गोविंद का गायन होता है। आरती के बाद बद्रीनाथ जी की मूर्ति से सजावट हटाकर पूरी मूर्ति को चंदन के लेप से रंग दिया जाता है। इसके बाद वैदिक ग्रंथों के उच्चारण के साथ मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं, मतलब उस दिन के लिए मंदिर बंद हो जाता है। मूर्ति पर लगे इस चंदन को अगले दिन श्रद्धालुओं को दर्शन के समय प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। इसके अलावा भक्तों को चीनी की गेंदे और सूखी पत्तियां भी मिलती हैं। अब बांस की टोकरी में पंचामृत रखकर भी प्रदान किया जाता है। अगर आपकी इच्छा बद्रीनाथ जी को प्रसाद चढ़ाने की है, तो आप तुलसी की माला, कच्चे चने की दाल,
मिश्री और गिरी का प्रसाद पास की बनी दुकानों में से ले सकते हैं। बद्री तुलसी मतलब वन तुलसी भगवान बद्री को बहुत प्रिय है और इसकी खास बात यह है कि इससे चारों ओर सुगंधित महक फैल जाती है। शास्त्रों में लिखा भी गया है कि तुलसी रोगों को दूर करने में सहायक है। ये तुलसी की मालाएं माल्य पंचायत और बामड़ी गांव के लोग बनाते हैं। मंदिर में दर्शन करने से पहले तप्त कुंड में स्नान कर लेना चाहिए जो बद्रीनाथ मंदिर के बिल्कुल पास ही नीचे की तरफ बना है। जैसा कि नाम से ही साफ है, तप्त मतलब गर्म तपता हुआ और कुंड बोले तो पानी का कुंड, मतलब एक ऐसी जगह जहां गर्म पानी निकलता हो। दोस्तों यहां कमाल की बात यह है कि इसी के पास नीचे अलकनंदा नदी बह रही है जिसका पानी बर्फ से भी ज़्यादा ठंडा है और दूसरी तरफ ये तप्त कुंड बना है जिसके पानी का तापमान 30 से 40 डिग्री के आसपास रहता है। अब सोचिए ना कि दोनों एक ही जगह पर हैं, एक बर्फ जैसा ठंडा है और दूसरा उबलता हुआ गर्म पानी। भाई साहब इस कुंड में जो पानी है इसके अंदर जाना तो दूर, यहाँ बैठकर आप डायरेक्ट अपने ऊपर ये पानी डाल भी नहीं सकते, इतना ज़्यादा गर्म होता है ये। अगर यकीन नहीं आता तो ये देख लीजिए। अब देखिए हम दिखाते हैं तप्त कुंड का पानी कितना गर्म है। देखिए कितना गर्म है तप्त कुंड का पानी। 40 डिग्री तापमान नेचुरल पानी। बस आप ऐसा मान लीजिए कि यहाँ नहाया नहीं जाता, थोड़ा थोड़ा पानी लेकर शरीर के ऊपर पोंछा जाता है, मतलब पोंछा मारते हैं शरीर में, इतना है एक गर्म है। बाहर बैठकर ही लोग जैसे तैसे यहाँ नहा लेते हैं, एक मग्गा टाइप वगैरह कुछ ले लेंगे, उससे धीरे धीरे पानी भरकर अपने शरीर पर डालते रहेंगे जिससे कि पानी कुछ कम गर्म लगे। वैसे घबराने वाली कोनो बात नहीं है भैया, साइड में ठंडे पानी की टंकियाँ भी लगी हुई हैं। अगर ये गर्म पानी आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा तो आप साइड की लगी टंकियों में जाइए, वहाँ एक बर्तन लीजिए, गर्म और ठंडा पानी दोनों टंकियों में से निकलता है, उनको मिक्स करके अपने ऊपर डाल लीजिए, तो इस तरह आप नहा लेंगे। कुंड के नीचे का तापमान सालाना 55 डिग्री के आसपास रहता है जबकि बाहरी तापमान 17 डिग्री है। वैसे जब मैं इसके बारे में थोड़ी रिसर्च कर रहा था तो पता चला कि इसका तापमान एक बार 130 डिग्री सेल्सियस भी दर्ज किया गया है। अब सोचिए यार इतना ज़्यादा पानी का तापमान। ये सल्फर युक्त पानी है, इसमें नहाने से त्वचा संबंधी या अन्य कुछ रोगों के ठीक होने की बात कही जाती है। तप्त कुंड में पुरुष और महिलाओं के नहाने के लिए अलग अलग जगह बनी हुई है। वैसे तो बद्रीनाथ मंदिर से जुड़ी सभी पौराणिक कथाओं में हम आने वाले एपिसोड में बात कर लेंगे, लेकिन तप्त कुंड के बारे में यही जान लेते हैं। जैसे कि हम सबको पता है कि आग जलाता है, पानी डुबोता है और भाई तड़पाता है। अरे यार ये तो बलवान मूवी का डायलॉग हो गया भाई। खैर छोड़ो, हम यहाँ बद्रीनाथ की बात कर रहे हैं, बलवान की नहीं। हमें तो यहाँ बात करनी है तप्त कुंड के गर्म पानी के पीछे की पौराणिक कथा के बारे में। अब देखिए आग का काम होता है जलाना या कहें कि भस्म करना। अब क्या था, अग्निदेव इस बात से परेशान थे कि मेरा काम तो जलाना है भस्म करना, तो वो क्षीर सागर पहुंचकर भगवान विष्णु जी की तपस्या करने लगे। फिर बाद में जब भगवान विष्णु जी अग्निदेव के सामने प्रकट हुए और बोले कि अग्निदेव हम आपकी तपस्या से अति प्रसन्न हुए, मांग लो जो भी वरदान आपको मांगना है। तब अग्निदेव बोले कि हे प्रभु, हे जगदाता, हे परमपिता परमेश्वर, मेरे पास जो भी चीज़ें जीव जंतु या इंसान आते हैं वो सब जलकर राख हो जाते हैं जिस कारण मुझे दुख होता है और लोग भी मुझसे दूर भागते हैं, तो कुछ ऐसा उपाय कर दीजिए प्रभु जिससे कि मैं इंसानों के काम आ सकूं। इस पर भगवान विष्णु ने कहा कि तुम बद्रिकाश्रम, हाँ बद्रीनाथ को बद्रिकाश्रम भी कहा जाता है, वहाँ जाओ, वहाँ पर अलकनंदा नदी के किनारे एक जल का कुंड है, उसमें जाकर तुम समा जाओ, मतलब उसके अंदर चले जाओ, बढ़ जाओ, जिस कारण वहाँ का पानी गर्म हो जाएगा और फिर जो भी इंसान सच्चे मन और श्रद्धा का भाव रखते हुए गर्म पानी के उस कुंड में स्नान करेगा उसको रोगों से मुक्ति मिलेगी। तो ये थी तप्त कुंड के पीछे की पौराणिक कथा।
दोस्तों तप्त कुंड का पानी कहाँ से आ रहा है इसके बारे में कुछ निश्चित नहीं कहा जा सकता, या सीधा कहे तो हमें नहीं पता भैया। कुंड के पास ही गरुण शिला है, कुछ का मानना तो यह है कि पानी इसके नीचे से ही आ रहा है। जैसे गरुण शिला है वैसे ही मंदिर के पास और भी कुछ शिलाएं हैं। इनमें से एक महाप्रभु की 77वीं बैठक भी दिखाई देती है, जहां महाप्रभु आचार्य वल्लभ ने भागवत सप्ताह करके बद्री विशाल की कथा सुनाई थी। कहा जाता है कि इन्होंने पूरे भारत की परिक्रमा की थी और जहां जहां ये गए वहां वहां भागवत सप्ताह की, उन स्थानों को बैठक कहा गया है। इसी तरह देखें तो वल्लभ जी की पूरे भारत में 84 बैठकें हैं। मंदिर के कपाट भारी बर्फबारी के चलते 15 नवंबर के आसपास बंद कर दिए जाते हैं, लेकिन बंद करने से पहले बद्रीनाथ जी की प्रतिमा मतलब मूर्ति के पास एक बड़े दिए मतलब चिराग में लो को जलाकर रख दिया जाता है। अब इस दिए की लो लगातार 5 से 6 महीने जलती रहती है। अप्रैल लास्ट या मई फर्स्ट वीक में जब भी बद्रीनाथ जी के कपाट खुलते हैं तो दूर से इस जलते दिए को बड़ी संख्या में लोग देखने आते हैं। ये आप लगा लीजिए कि 5 से 6 महीने जलता ही रहता है। इस बार क्या हुआ ये तो सबको पता ही है भैया, चीन ने वायरस फैला दिया सब में। मतलब कोरोना फैला दिया वो चीन, कोरोना एक ही बात है कुछ कह लीजिए, जिस कारण मंदिर के कपाट जो खुलते थे वो थोड़े लेट से खोले गए। इस दौरान कपाट खुलने के समय मुख्य पुजारी ईश्वरी प्रसाद नम्बूदरी और 11 व्यक्ति ही मौजूद थे, और जब पहले खुलते थे तो इतने ज्यादा श्रद्धालु हो जाते थे देखने बहुत सारे। मंदिर को करीब 10 क्विंटल गेंदे के फूलों से सजाया गया था। अब देखते हैं कि बद्रीनाथ में रात में रुकने की क्या व्यवस्था है। धर्मशाला तो मैं आपको बाहर से ही दिखा चुका हूँ, जैसे भारत सेवाश्रम संघ, यात्री निवास, बाबा काली कमली वाला, जय जलाराम, मानव कल्याण आश्रम आदि कुछ। इनके अलावा कई होटल और गेस्ट हाउस हैं। यहाँ के होटल वाले सीजन के समय अप्रैल मई और जून में करीब 500 रुपये प्रति व्यक्ति का चार्ज लेते हैं, और जब ऑफ सीजन आता है बोले तो अगस्त से मिड नवंबर तक ये 500 से 1000 रुपये 3 से 4 आदमियों को पूरा होटल ही देते हैं, मतलब एक होटल का रूम दे देते हैं। ऑनलाइन वेबसाइट पर भी मैं गया, वहाँ हमें कोई ओयो या जितने भी ये प्राइवेट होटल हैं वहाँ हमें इनकी कोई सर्विस नहीं मिली। हाँ, सीजन में आ रहे हैं तो एडवांस में बुकिंग ऑनलाइन ज़रूर कराएं, क्योंकि इस दौरान बहुत ज़्यादा श्रद्धालु आते हैं जिस कारण होटल की बुकिंग फुल हो जाती है, फिर हो सकता है कि आपको वहाँ होटल ना मिले। ऑनलाइन करना चाहते हैं तो gmvnonline.com से होटल बुक कर लीजिए। और अगस्त से अगर मिड नवंबर के बीच आ रहे हैं तो उस दौरान श्रद्धालुओं की संख्या थोड़ी घट जाती है, जिस कारण आप यहां आकर भी रूम ले सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। हाँ, अपने पास कम से कम एक फ़ोटो आईडी वाला कोई पहचान पत्र जरूर रखें, जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या इसी तरह की कुछ। और करीब 2 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले बद्रीनाथ नगर की जनसंख्या 2011 के अनुसार 2438 थी। जैसे कि मैंने पिछले एपिसोड में बताया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से चार धाम यात्रा को आसान करने के लिए, आसान बनाने के लिए काफ़ी कार्य करवाए जा रहे हैं। इनमें से एक है ऑल वेदर रोड का, जिसके बन जाने से वर्ष के किसी भी महीने में आप दर्शन कर सकेंगे। दूसरा है ऋषिकेश कर्णप्रयाग तक रेलवे लाइन बिछाने का, जिससे केदारनाथ और बद्रीनाथ जाने का रास्ता आसान हो जाएगा। गंगोत्री यमुनोत्री रेलवे लाइन का भी कार्य जारी है। प्रधानमंत्री कार्यालय बोले तो PMO चारधाम में होने वाले कार्यों पर लगातार नज़र बनाए हुए हैं। वैसे भी नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि चारधाम के आसपास तक ट्रेन पहुंचाना उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है। अब देखते हैं ये कब पूरा होता है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की देखरेख में केदारनाथ और बद्रीनाथ में विकास करने के लिए एक मास्टर प्लान तैयार किया गया है। इस पर बात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि इस मास्टर प्लान के तहत बद्रीनाथ को और विकसित किया जाएगा, जिससे कि यहां आने वाले श्रद्धालुओं को ज़्यादा सुविधा और स्थानीय लोगों को रोजगार मिल सके। और जब यहां कार्य किया जाएगा तो यहां के विकास के साथ साथ यहां की पौराणिक और आध्यात्मिक मान्यताओं का भी पूरा ख्याल रखा जाएगा, मतलब मंदिर और अन्य स्थानों के साथ छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। इसके लिए 424 करोड़ रुपये का मास्टर प्लान ये बना है। इसके 3 चरण बनाए गए हैं। पहले चरण में मंदिर के आसपास सरकारी भवनों को हटाया जाएगा, दूसरे चरण में निजी भवनों को स्थानांतरित किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत जिसके भी घर हटाए जाएंगे या जो भी बिल्डिंग हटाई जाएगी उनको उचित मुआवजा दिया जाएगा। तीसरे चरण की बात करें तो बद्रीनाथ मंदिर परिसर में काम होगा। इसके साथ साथ ही छोटी जो सड़कें हैं उनको चौड़ा भी किया जाएगा।
तो इस तरह हम कह सकते हैं कि बद्रीनाथ को आध्यात्मिक मिनी स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने का काम चल रहा है, जिससे मंदिर की पुरानी परंपरा भी रहेगी और आने जाने, रुकने और खाने पीने की उचित व्यवस्था भी मिल सकेगी। चलते चलते एक नज़र कुछ उन व्यक्तियों पर डाल लेते हैं जिन्होंने बद्रीनाथ मंदिर के दर्शन किए थे। वैसे मैंने भी 2020 में दर्शन किए थे भाई साहब, ऐसी बात नहीं है, पर भैया हम तो आम आदमी हैं, हमें कौन पूछेगा। वैसे भैया आम आदमी भी कहना अब थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि वो CM बने बैठे हैं। चलिए खैर कोई नहीं। 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने केदारनाथ के दर्शन किए थे। उसके बाद 19 मई को फिर वे बद्रीनाथ मंदिर के दर्शन करने के लिए पहुंचे थे। इनके अलावा बात करें तो 6 मई 2017 को भूतपूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी भी बद्रीनाथ धाम में गए थे। राजेंद्र प्रसाद, नीलम संजीव रेड्डी और प्रतिभा देवी पाटिल जी के बाद प्रणब मुखर्जी भारत के चौथे ऐसे राष्ट्रपति थे जो बद्रीनाथ में दर्शन करने के लिए पहुंचे थे। उनके साथ उत्तराखंड के राज्यपाल KK पॉल और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत भी थे। बिजनेसमैन एवं रिलायंस इंडस्ट्री के मालिक मुकेश अंबानी ने 2019 में दो बार बद्रीनाथ मंदिर में दर्शन किए हैं, पहली बार 25 मई को और दूसरी बार 26 अक्टूबर को। उनके साथ उनके पुत्र आकाश अंबानी भी थे। तो भाइयों, ये था बद्रीनाथ वीडियो सीरीज का एपिसोड 8। इसी के बारे में आगे बात करते हुए हम एपिसोड 9 में बद्रीनाथ को और डिटेल के साथ जानेंगे, जैसे बद्रीनाथ नाम कैसे और क्यों हुआ, पौराणिक और ऐतिहासिक क्या महत्व है, शिव जी से विष्णु जी ने बद्रीनाथ को कैसे प्राप्त किया, मंदिर में दर्शन कैसे और किस समय होते हैं, बद्रीनाथ मंदिर की संरचना कैसी है, अंदर कितनी और कौन कौन सी मूर्तियां हैं। इसी के साथ अगर समय बचा तो भाई साहब हम सप्तबद्री और पंचशिला के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय बद्री विशाल।